हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या आप भी इस तरह की 4G वॉलपेपर लगाना चाहते हैं अपने मोबाइल की डेस्कटॉप स्क्रीन पर, तो फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि आप इस तरह की 4G वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं लाइव प्रूफ टेक। चैनल पर भाई नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो आपको बता दें कि आप ये कैसे लगा सकते हैं अपने मोबाइल में। कितना खूबसूरत लगता है कि जब अपना फ़ोन कोई देखेगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा कि यार इसका फ़ोन तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसके फ़ोन में तो 4G वॉलपेपर लगा है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और कितना अच्छा दिखता है ऐसे 4G वॉलपेपर लगाएंगे कि 4G वॉलपेपर हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के, जो कि चलते फिरते रहते हैं। तो आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको ये एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है। अपने प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पिक्सल 4D वॉलपेपर। आप देख लीजिए, पहले आप सही से लिखना पिक्सल 4D वॉलपेपर, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको इसको डाउनलोड करना है। जब से फर्स्ट वाले को सबसे फर्स्ट वाले जो ऑप्शन दिख रहा है उसको आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाए फिर आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही आपका यह ओपन हो जाए तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ सकता है। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको कुछ सेटिंग अलाउ करनी है, जो कि आपको बता रहा है यहाँ पर बैटरी सेव मोड इस ऑन 4 पिक्सल। तो आपको यहाँ पर ओपन सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर कुछ परमिशन मांगे तो उसको परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ कर देनी है, तो आपको यहाँ पर परमिशन दे देनी है और बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो आ रहा है आपके सामने इंटरफेस, जो कि गो प्रीमियम 140 रुपया, यदि आपको 3 मंथ के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर प्रीमियम ले सकते हैं। बट मैं आपको फ्री में करके दिखाऊंगा, कोई भी 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे नीचे नोट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नोट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे 4D वॉलपेपर दिख जाएंगे। आप जिसको भी अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ वॉलपेपर जो कि पेड़ हैं, तो आपको वहाँ पर जैसे ये है तो इसमें आपको 10 रुपये देने होंगे, ये आपको इसको सेट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यदि ये अच्छा लगता है तो 10 रुपये दे सकते हैं। यदि आपको नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री वाला कर लीजिए। जैसे कि मुझको ये फ्री वाला करना है, तो आप यहाँ पर फ्री वाले पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ तक कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, तो थोड़ी देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपसे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ सकता है। तो आपको यहाँ पर नीचे गेट वॉच ऐड पर क्लिक कर देना है। तो नीचे आपको इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेट कर सकते हैं डेस्कटॉप, सेट टू डेस्कटॉप, सेट टू लॉक स्क्रीन एंड डेस्कटॉप। तो आप यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से जिसको भी आपको सेट करना है तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेट टू डेस्कटॉप पर करके दिखाऊंगा आपको, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप, मेरा डेस्कटॉप पर जो कि 4D वॉल पर है वो सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं आप बैक होकर देखता हूँ सेट हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए हम बैक चलते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमारा 4D वॉलपेपर लग रहा है। तो हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है, बिल्कुल ही आसान तरीके से आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, तो आपको सारी जानकारी देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।